नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। असम में ऐसे 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का सोशल मीडिया पर समर्थन कर रहे थे। इन लोगों को शुक्रवार रात को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर UAPA, IT एक्ट और CRPC की अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम अलर्ट हैं और सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणियों पर नजर रख रहे हैं। तालिबान ने इस बात से इनकार किया है कि काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उसके लोगों ने किसी का अपहरण किया। थोड़ी देर पहले ही यह खबर आई थी कि तालिबानी आतंकवादी लगभग 150 लोगों को अपने साथ ले गए हैं और इनमें से अधिकतर भारतीय हैं। ये सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और सभी वापस काबुल एयरपोर्ट लौट आए हैं। ये भी खबर आई थी कि इन सभी लोगों को एक नज़दीकी पुलिस थाने में ले जाया गया था और इनसे पूछताछ की गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट के बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ को हटाने के लिए ही इन लोगों को एयरपोर्ट के मुख्य दरवाजे से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया। पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में लाल मस्जिद से जुड़े मदरसे पर तालिबान का झंडा फहराए जाने की फोटो वहां के साथ ही भारत में भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। इस मदरसे का नाम जामिया हफ्सा है। मस्जिद के प्रवक्ता हाफिज एहतशाम ने कहा कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का झंडा जामिया हफ्सा में फहराया गया और मौलाना अब्दुल अजीज ने ऐलान किया है कि शरिया को जारी रखा जाएगा। बता दें, जामिया हफ्सा महिलाओं का मदरसा है और इसे मौलाना अब्दुल अजीज की पत्नी चलाती हैं। वहीं इस्लामाबाद के उपायुक्त हमजा शफाकत ने कहा कि इस तरह के झंडे को फहराने की इजाज़त नहीं है। हंगामा बढ़ने के बाद थोड़ी ही देर में झंडे को उतार लिया गया। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर विपक्ष प्रदर्शन करेगा। ये बैठक वर्चुअली हुई और इसमें 19 विपक्षी दलों के नेताओं ने भाग लिया। सोनिया गांधी ने इस बैठक में संघ परिवार के एजेंडे से लड़ने के लिए सभी दलों से एकजुट होने का भी आह्वान किया। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि आम जनता से जुड़े 11 मुद्दों को लेकर 20 से 30 सितंबर तक लगातार प्रदर्शन किया जाएगा और इसमें ये सभी विपक्षी दल शामिल होंगे। ये प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कांग्रेस को एक और झटका लगा है। अब त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष पीयूष कांति बिश्वास ने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे हैं कि वो जल्द ही TMC में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी कहा है कि वो राजनीति से भी संन्यास ले रहे हैं। बता दें, इससे पहले 15 अगस्त को महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुष्मिता देव ने इस्तीफा दे दिया और TMC में शामिल हो गई थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगुवाई में मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा अपने पीछे कई विवाद छोड़ गई। घोड़े पर BJP के झंडे की पेंटिंग कर उसे यात्रा में शामिल किए जाने को लेकर हुए विवाद ने इस कदर तूल पकड़ा कि FIR दर्ज हो गई। BJP के झंडे के रंग से पुते घोड़े की फोटो वायरल होने के बाद BJP सांसद मेनका गांधी की अगुवाई वाला पीपुल्स फॉर एनिमल संगठन एक्शन में आ गया। संगठन की इंदौर इकाई ने इस पर तीखा एतराज जताया। इंदौर इकाई की प्रमुख प्रियांशु जैन ने मामले की लिखित शिकायत पुलिस में की। मामला प्रकाश में आते ही मेनका गांधी भी सक्रिय हो गई। उन्होंने चुनाव आयोग और इंदौर कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले की शिकायत PM मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी करेंगी। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट छापी है कि पिछले 4 सालों में मनरेगा योजनाओं में 935 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई है और जो वित्तीय घपला किया गया है उनमें रिश्वतखोरी और ऐसे लोगों को भुगतान किया जाना जो है ही नहीं और दुकानदारों से सामान को महंगे दामों पर खरीदने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। ड्रग फर्म जाइडस कैडिला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वो अक्टूबर तक कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ खुराक का उत्पादन कर लेंगे। कंपनी ने आगे कहा है कि वो सितंबर के मध्य या अंत तक वैक्सीन की खुराक की आपूर्ति शुरू भी कर सकते हैं। बता दें, जाइडस कैडिला की वैक्सीन वयस्कों में तो लगाई ही जाएगी, 12 साल से ऊपर के बच्चों को भी लगाई जा सकेगी। इस वैक्सीन की 3 खुराक जरूरी होंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।